ज्योति सिंह के हमको रहना है नहीं, या नहीं रहना? नहीं, उन्होंने मुझसे भी कहा कि नहीं मैम, उस इंसान के साथ नहीं रहा जा सकता। अच्छा, कोर्ट में जब जज के, हाँ, कोर्ट में जब जज के सामने जाते हैं तो वहाँ 5 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़ होने लगता है, वहाँ रिजिड रहे ना। मुंबई जा रही है, क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या अब ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला निपट जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत दिन से हम इस कोशिश में लगे हुए थे और पवन जी से टाइम भी मिला था आने का, लेकिन बीच में उनका बर्थडे था और 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम, 7 तारीख को हमारा कार्यक्रम, तो जाना नहीं हो सका। तो फिलहाल अभी उनसे बातें हुई हैं और हम मुंबई जा रहे हैं, उनसे मिलके बैठ के बात करेंगे। मामला बस वही 3 CR+1 फ्लैट पे है, तो थोड़ा कन्विंस करेंगे। कुछ चीजें हैं कि हमने ज्योति की बात आपके सामने रखी, हमने अक्षरा की भी बात आपके सामने रखी मिलके, लेकिन हम पवन जी के दिल में क्या दर्द है ये बात नहीं रख पा रहे। काउंसलिंग का मुद्दा क्या होता है कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप जब तक सारे पक्ष सुन न ले तब तक आप निर्णय पे नहीं आ सकते। तो उनकी भी बातें सुननी है कि क्या क्या उनके पास है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिकॉर्डिंग वीडियोस उनके पास भी हैं, तो जाके जरा हम लोग देखें है क्या, उसके बाद फिर उस पे बात करें। पवन सिंह तैयार नहीं हो रहे, उनके पास ऐसा नहीं है कि बैकअप नहीं है या फिर पैसे की कमी है, लेकिन पवन सिंह बार बार तैयार नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं पवन सिंह रिजिड है कि भाई जो करना नहीं। ऐसी बात नहीं है कि वो तैयार नहीं हो रहे, वो तैयार हो चुके हैं पैसे देने के लिए, बिल्कुल तैयार। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब ज्योति और पवन सिंह एक हो जाएंगे। बहुत लोग, ए भैया, लोग कह दे, कानून कह दे, जब दोनों खुद एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं तो हम और आप चाहने से रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये ज्योति खुद महिला विकास मंच पवन जी तो तैयार है, ज्योति को बोलिए रख ले, इस तो तैयार है, वो ही नहीं रहेंगी। इस रास्ते पे कुछ अपने तरफ से ऐसा अमल किया जाए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, तो बिल्कुल मिलाने का काम हमेशा। अरे भाई, मोस्ट वेलकम, उन्होंने जो बातें हुई हैं फोन पे ही सही कहा है कि ठीक है वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने तो कहा ही है रहने के लिए, कहा मना किए उतने काहे के लिए 3 करोड़, तुम्हारा पति पत्नी हो, कहां 3 करोड़ के चक्कर में फंस रही हो, जाओ सारा साम्राज्य ही तुम्हारा है। ज्योति सिंह, मतलब ये मामला जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का, ये इसको नॉर्मल मामला माना जाए कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दिक्कतें थी उसको लेके, या फिर ज्योति सिंह अभी जब तक उनसे बात नहीं हो जाती, सारी चीजें देखना ले जाके, हम लोग, हमारी टीम जा रही है, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तो देखना ले तब तक फिर कैसे ही हम बताएं। कब जा रही है? आज जा रहे हैं। अच्छा, ये मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या अभी आने दो ना भैया लौट के, तो बताते हैं क्या होगा नहीं होगा। अब तो दो जगह की बातें आ गई, महिला विकास मंच की इसमें क्या, पहली कोशिश तो रहेगी कि रख लें, दोनों आदमी मिल जाए, और हाँ दोनों मिल जाए भाई, जैसा है, गलती सलती माफ करो, भूल चूक लेनी देनी, पहली कोशिश तो यही रहेगी हमारी। हालांकि पावर स्टार है, ज्यादा उनपे प्रेशर भी नहीं कर सकते हैं, उनका निजी जीवन जैसे वो जिए, तो इसलिए पहली कोशिश तो हमारे स्टार तो है कहीं ना कहीं, लेकिन इस वजह से जो है उनका लाइफ स्टाइल। देखिए, इन तमाम चीजों में एक चीज तो हमारा अनुभव कहता है, तय है कि आदमी बहुत ज्यादा दिल का बुरा नहीं है, क्योंकि अगर वो, उसको किसी चीज की कमी नहीं है पवन को, अगर वो चाहते तो हम कौन है, बहुत मामूली से समाज सेवी है, वो चाहते तो हमसे नहीं भी मिलते, लेकिन वो मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो। अच्छा, बिना मन, बिना मन भी हमेशा पवन सिंह को गलत बोलती रहती थी, लेकिन अचानक क्या बात हो रही, गलत आज भी बोल रही, तारीफ कर रही। मैंने तारीफ कहाँ किया उनका, मैं ये कह रही हूँ मैं उनको सुनने जा रही हूँ, अभी रोशन राही की मैं बुराई कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से मिलके अपनी बात नहीं रखता, टाइम दे दे के भाग जाता है, तो बुराई ना करेंगे, जिस दिन सामने आएंगे बैठेंगे उनकी बातें आएंगी, आप तक बताएंगे। काउंसलिंग का भैया यही पार्ट होता है, एक तरफा कभी नहीं आप कोई बात कह सकते हैं। लेकिन जब नहीं मिली थी उससे पहले जितना बाइट आपका चल रहा था, पवन सिंह को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा था कि जो, तो जब तक आप किसी को जानिएगा नहीं तब तक तो जो एक पिक्चर दिखेगा आदमी गलत ही बोलेगा, जानने के बाद लगेगा कि नहीं इनका भी कुछ दुख होगा, इनके जितनी बातें सुनी है उससे तो बोलेंगे ना कि भाई तकलीफ। जैसे कि मैम अभी अक्षरा सिंह और पवन सिंह ज्योति सिंह का मामला था, अक्षरा सिंह का क्या रोल था इसमें और अक्षरा सिंह क्या इन्वॉल्वमेंट है? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, शुरू के दिनों में वो जेलस फीलिंग और एक पत्नी का जो होता है दुख दर्द, ये सब रहा जिसको पवन जी संभाल नहीं पाए। आज भी मैं ये बोलती हूँ कि जी की गलती रही है इस मामले में कि वो अपने घर की चीजों को समेट नहीं पाए। अगर वो समेट लेते, एक मर्द थे, तो इतना रायता ही नहीं फैलता, तो कहीं ना कहीं उनको भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बीना मानवी को क्या लगता है? अभी तक बीना मानवी ज्योति सिंह से भी बात कर चुके हैं और पवन सिंह से भी बात कर चुके हैं,
ज्यादा गलती किसका था, ज्योति सिंह का या पवन सिंह का? डेफिनेटली पवन जी का ही गलती था, इसमें कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। ज्योति तो भाई वो तड़प थी, वो बीबी है तो उसको शक करना, मोबाइल चेक करना, इधर करना उधर करना, बेचैनी में उसको पूरा अधिकार था। लेकिन पवन जी अगर इन चीजों को चाहते गुड फेथ में लेके, तो सारी चीजों को संभाल सकते थे। तो हो सकता है उनको इस चीज का प्रॉपर अनुभव भी नहीं रहा हो, इसलिए वो संभाल नहीं पाए। हो सकता है बहुत गुस्से वाले रहे हो, हो सकता है आक्रोशित इंसान रहे हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात यहाँ से भी आती है कि जो ज्योति सिंह थी वो पवन सिंह का शादी होने के बाद भी कॉल रिकॉर्डिंग किया करती थी, ये सब बातें कहाँ तक सही है? कॉल रिकॉर्डिंग भैया देखो दुनिया में पर्सनल बात मैं बता रही हूँ, मुझसे आप पूछ रहे हैं मैं बता रही हूँ। दुनिया का सबसे घटिया व्यक्ति हमको वो लगता है जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलता है। आजकल ये जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलने का जो जमाना आ गया है ना, ये सबसे ज्यादा हमको घटिया व्यक्ति लगता है। जो बात बोल रहे हैं बात की बात होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग इधर से ये बहुत गंदी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ज्योति गलत है। मैम ज्योति सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पवन सिंह देर रात को भी आते थे तो मैं जागी हुई रहती थी, जो खाना बोलते थे मैं बनाती थी, उसके बाद उन्हें खिलाकर मैं 3 से 4 बजे दिन को सोने जाती थी। अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद आज ज्योति सिंह पवन सिंह से के साथ रहना भी पसंद नहीं कर रही है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ हो गया कि जो ज्योति सिंह पवन सिंह को दिल जहाँ से प्यार करती थी वो आज इतना दूर हो गई? तो हो सकता है नफरत जब हद से गुजर जाती है तो वो दवा बन जाती है, तो इतनी ज्यादा नफरत हो गई इन लोगों को, उसी को दवा बना के अब दोनों जी रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा बम्बई जा रहे हैं क्या, नया खबर होगा? बहुत सारे हो पहली कोशिश है, मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह क्या एक करवा पाएंगे बिना मानी? देखिए अभी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी भी कोर्ट में डेट था तो सेटलमेंट पे ही बात ज्योति की। ज्योति अगर कोर्ट में कह दे कि नहीं मुझे रहना है, मुझे रहना है, ज्योति तो हमेशा कई मीडिया में बोल रही है हमको रहना है। सुना मीडिया का बात छोड़ो, कोर्ट का बात करो आप लोग। कोर्ट में जब जज, हाँ कोर्ट में जब जज के सामने जाते हैं तो वहाँ 5 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़ होने लगता है, वहाँ रिजिड रहे ना। कोर्ट में जब जज, हाँ कोर्ट में जब जज के सामने जाते हैं तो वहाँ 5 करोड़ 3 करोड़ 8 करोड़ होने लगता है, वहाँ रिजिड रहे ना, तब तो मामला ही मीडिया के सामने बोलती हैं कि रहना है। हाँ तो ऐसे नहीं चल रही बातें यहाँ पे। तो सोशल मीडिया का तो जमाने, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चीजों पे नहीं जाना चाहिए इंसान को। अभी हो सकता है, मैं आप लोग को ऐसा वक्तव्य दे रही हूँ जो हो सकता है मेरे मन में है और मैं जुबान पे नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए धरातल में बातें कुछ और होती हैं, समाज को दिखाने के लिए बातें कुछ और होती हैं, इस चीज को हर कोई समझे। लेकिन ज्योति सिंह तो लगातार आप बात करती रहे, तो क्या आपसे कहती है ज्योति सिंह की हमको रहना है? नहीं, या नहीं रहना? नहीं, उन्होंने मुझसे भी कहा कि नहीं मैम उस इंसान के साथ नहीं रहा जा सकता है। इसका क्या मेन कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से ज्योति सिंह के खिलाफ पवन सिंह जाके बयानबाजी कोर्ट के अंदर किए थे कि उनकी पत्नी का क्या कुछ संबंध रहा है, तो क्या ये दूरी बयान? अब देखिए आरोप प्रत्यारोप, वो पत्नी जो है पति पे आरोप लगा रही, पति पत्नी पे लगा रहा आरोप, दोनों का निजी मामला है, इस पे हम कैसे बोल सकते हैं? हम थोड़ी वहां खड़े थे किसका किससे अफेयर चल रहा है देखने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।